बिलासपुर शहर की मेन मार्केट्स में चंपा पार्क के पास स्थित एक दुकानदार पर एक व्यक्ति ने चाकू व तवे से जानलेवा हमला कर घायल कर दिया। पुलिस ने बहरहाल घायल व्यापारी के बयान लेकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार मेन मार्केट्स में चंपा पार्क के पास स्थित व्यापारी चमन गुप्ता अपनी दुकान पर अपने ग्राहकों को निपटा रहे थे कि उसी दौरान एक व्यक्ति ने उनसे 50 रुपए की मांग की, जिससे उन्होंने थोड़ी देर बाद आने को कहा। पैसे मांगने वाला व्यक्ति वहां से गया और तुरंत चाकू तथा तवा लेकर आया और व्यापारी चमन गुप्ता पर पहले तवे से सिर पर प्रहार किया, उसके बाद चाकू से चमन गुप्ता पर जानलेवा हमला करने का प्रयास किया, जिससे चमन गुप्ता के शरीर पर चोट के निशान पड़ गए हैं। हालांकि चमन गुप्ता ने भी अपना बीच बचाव का प्रयास किया। चमन गुप्ता के परिजनों ने उन्हें क्षेत्रीय अस्पताल पहुंचाया, जहां से टेस्ट पर प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया। चमन गुप्ता ने कहा कि उनकी उस व्यक्ति से कोई दुश्मनी नहीं थी। उन्होंने पुलिस से हमलावर व्यक्ति को गिरफ्तार करने की मांग की है। गौरतलब है कि व्यापारी चमन गुप्ता जिला भाजपा के भी प्रमुख पदाधिकारी हैं। उधर सूचना मिलते ही सदर पुलिस थाना प्रभारी यशवंत सिंह की अगुवाई में पहुंच गई थी। बहरहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। मेरे को दुकान में कस्टमर थे, उसने बोला मेरे 50 रुपए दो। मैं कहा वो कस्टमर खड़ा थोड़ी देर के बाद आता, उसने थोड़ी को मेरे को बोलता है और फिर आया और एक सिंपल चाकू और तो भी जोर मेरे सिर में मारा, जोर से तुम्हारी मार में सन्न हो गया, दोबारा मारा उसने, फिर मैं थोड़ा हमला, उसने चाकू खाया और मेरे यहाँ मारा चाकू मैंने कितना हमले, मैंने चौक किया अपना, अगर मेरे यहाँ कोई और जबर जाता है मेरे बहुत जोर से लगी है, मेरे को पता क्या हुआ है अंदर बहुत स्वेलिंग है, सिटी स्कैन और डॉक्टर ने बोला सिटी स्कैन कराओ, मैंने सिटी स्कैन कराया, इससे कोई लड़ाई नहीं झगड़ा नहीं कुछ ऐसा कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, वो भी बोलते तब आपको पता लग जाएगा, लेकिन किसी कोई बात हुई नहीं। वो आसी पड़ोसी है, कोई जानने वाला अज्ञात व्यक्ति था, जानने मिलने वाला नहीं है, देखने वाला आदमी है, कभी आके हमारे पास कुछ पाए जान हम बिल्कुल हम कर दे, और पब्लिक भी कोई आया अंदर के लिए टाइम, अगर मेरे पास एंच पर कुछ भी मर जाएगा ये, मैंने कोई थप्पड़ भी मारा, मैंने सिर्फ आपको किया।